चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता की किचन से। और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक स्वीट डिश है, लौकी की बर्फी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लौकी की बर्फी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लौकी, हाफ के जी मैंने लौकी ली है और इसको कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी भी निचोड़ लिया है। अगर आपको लग रहा है कि इसके बीज पके हुए हैं तो उसको भी निकाल दें। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ खोया, यहाँ पर मैं 250 ग्राम्स खोया ले रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा भून भी सकते हैं चाहे तो, मैं नहीं भून रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम्स शुगर, 1 टेबलस्पून घी और 10 से 15 काजू। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। घी गर्म हो जाने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखी थी और निचोड़ कर रखी थी, तो उसको हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इस तरह से चला लेंगे मीडियम फ्लेम में। हम इसको इसलिए भून रहे हैं ताकि ये जो लौकी है वो थोड़ा सा पक जाए। तो इसको इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, मीडियम फ्लेम में हम इसको भूनेंगे। और अब हम एक लिड लेंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे ताकि जो लौकी है वो अच्छे से स्टीम में पक जाए। अब 10 मिनट बाद लिड हटाएंगे और इसको चलाएंगे। तो ये देखिए लौकी अच्छे से गल गई है। एक बार हम शुगर डाल देंगे तो लौकी नहीं गलेगी, इसलिए हमें इसको पहले ही थोड़ा सा पकाना होगा लौकी को, ताकि जो कच्चेपन का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं डाल रही हूँ शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से चला लेंगे तब तक कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए, तब तक हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए शुगर ने पानी छोड़ दिया है और यही पानी अब हमें अच्छे से सुखाना है। तो इसी तरह से हम चलाते हुए सुखा लेंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और इसको चलाते हुए हमें इस पानी को अच्छे से सुखाना है। तो ये देखिए पानी अच्छे से सूख गया है और आप देखिए लौकी जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाए, मतलब कि जमने की फॉर्म में आ जाए, तब हमें इसके अंदर खोया डालना है। देखिए इस तरह का हमारा जो मिक्सचर है वो होना चाहिए। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे खोया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैं सिर्फ गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए इसको इस तरह से मिला लेंगे। और आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हाई फ्लेम कर लेंगे, कभी हाई फ्लेम या कभी मीडियम फ्लेम, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये जमने की फॉर्म में ना आ जाए। तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर जमने की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक ट्रे के अंदर डालते हैं और इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। और अब ये जो मिक्सचर है हमारा, ये ट्रे के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब इसको अच्छे से फैला लेंगे, इस तरीके से हमें फैलाना है ताकि जो बर्फी है वो इक्वली जम जाए। तो इस तरह से हम फैला लेंगे।
अब हम हल्का सा टैप करेंगे इस तरीके से, और अब इसको हम जमने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है 2 घंटे के बाद में। अब मैं इसको कट करूँगी। आप जितना चाहे उतने पीसेस बड़े या छोटे रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पीसेस को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इस तरह से काजू से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी लगा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है, या फिर इसके ऊपर गोले का बारूदा भी आप छिड़क सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी जो लौकी बर्फी है वो रेडी हो गई है। और आप चाहे तो इस तरीके का मार्केट में बटर पेपर आता है, आप इस तरह से रैप करके भी मिठाई को रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी लौकी की बर्फी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय बाय।